अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। मैं हूं शगुफ्ता और आप देख रहे हैं माय किचन माय डिश। जैसा कि आपने फोटो में देखा, मैं आज बनाने जा रही हूं पाव, लादी पाव, जो बॉम्बे की बहुत स्पेशल चीज़ है। और ये मैंने घर में बनाया है और बड़े सॉफ्ट सॉफ्ट बने हैं, लेकिन मैं इसे रोज़ घर में बनाना पसंद नहीं करती हूँ। तो चलिए फटाफट शुरू कर लेते हैं ये रेसिपी। मैंने ले लिया है मिक्सिंग बोल और इसी मिक्सिंग बोल में मैं आटे को गूंदूंगी। तो इसमें 1/4 कप पानी मैंने डाल दिया और इस पानी में मैं डालूंगी 2 चम्मच शक्कर, चीनी, और चीनी को पानी के साथ मिक्स कर दूंगी। मीन्स चीनी जो है पानी में मिक्स हो जाए, डिजॉल्व हो जाए। ये है यीस्ट, ये मैंने अमेजन से ऑर्डर करके मंगाया है। ये 100 ग्राम का पैकेट है, आप पैकेट को ध्यान से देख लें, बस यही वाला मैंने मंगाया है और ये अमेजन से 1 हफ्ते में आया है। तो मैं इसे डालूंगी 1 चाय का चम्मच भर के इस शक्कर और पानी के मिक्सचर में और इसे भी अच्छी तरीके से मिला दूंगी। इस तीनों चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इसे ढक कर रख दूंगी 10 से 15 मिनट के लिए। पंद्रह मिनट कंप्लीट हो गए और ये देखिए यीस्ट मेरा जो है पानी के साथ में अच्छी तरीके से डिजॉल्व होके ऐसे फेस की तरह झाग जैसा बन गया है। तो मैंने इसमें ऐड कर दिया 200 ग्राम आटा और आधा चम्मच शुगर, नहीं सॉरी नमक, और 1 टेबल स्पून इसमें डालूंगी मैं रिफाइंड ऑयल। थोड़ा सा तेल बचा लेंगे, बाद में उसे यूज़ करेंगे। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स करते हुए इसकी नीडिंग शुरू कर देंगे, मींस इसे गूंदना शुरू करेंगे। कोई भी आटे की चीज़ या मैदे की चीज़ बनाने से पहले उसे गूंदना पड़ता है। तो दूध से मैंने गूंद रही हूँ इसे, आधा कप दूध लिया था मैंने और थोड़ा सा दूध डाला है मैंने 1 टेबल स्पून के जितना, और अब उससे मैंने इसे गूंदना शुरू किया है। और अब इसे अच्छी तरीके से गूंदती जाऊंगी, पंच कर करके अच्छे से गूंदना है, पूरी ताकत से उसे उठा पटक करना है गूंदने में। इस तरीके से गूंदना है कि पूरा वो मिक्सिंग बोल में से आटा साफ हो जाए और हाथों में जो आटा चिपक गया है वो भी साफ हो जाए। थोड़ा सा दूध फिर से डाला मैंने 1 टेबल स्पून के जितना, और सिर्फ मुझे लगता है इसे गूंदने में सिर्फ 2 टेबल स्पून दूध ही लगेगा, क्योंकि पहले जो यीस्ट मिक्स करने के लिए पानी डाला था वो काफ़ी था। तो अब ये हाथ में से साफ करने के लिए मैंने थोड़ा सा वो जो ऑयल बचा था वो लगाया और उसे लगा लगा के इसके गूंधेंगे, इसे अच्छी तरीके से गूंधेंगे। आप चाहें तो प्लेटफॉर्म पर उसकी कुटाई पिटाई कर सकते हैं, लेकिन मुझे वो नहीं पसंद है तो मैं बोल में ही करती हूँ। अब ये देखिए अच्छी तरीके से गूंधा जा चुका है, मैंने इसे 7 मिनट तक गूंधा है। ऑयल लगा दिया मिक्सिंग बोल में भी और इस डो के ऊपर भी, और अब इसे ढक के रख दूंगी 2 घंटे के लिए। चाहे तो आप क्लिंग रैप से भी रैप कर सकते हैं। और ये इतना दूध बच गया है, आधा कप दूध लिया था, दूध को थोड़ा थोड़ा करके डाला था। 2 घंटे कंप्लीट हो गए और ये देखिए फूल के डबल हो गया है मेरा गूंधा हुआ मैदा। तो अब इसे हम ले लेंगे अपने कटिंग बोर्ड के ऊपर और इसकी फिर से पिटाई शुरू करेंगे। बहुत अच्छे से इसकी पिटाई करने के बाद इसकी लोइयां बना लेंगे। हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगाया और देखिए प्याला भी मेरा बिल्कुल साफ है और इसे मैंने उठा लिया, और अब मैं इसे उठा पटक करते हुए इसकी फिर से नीडिंग करूंगी और फिर इसकी मैं लोइयां बना लूंगी। तो कटिंग बोर्ड के ऊपर ही मैं इसकी कुटाई पिटाई शुरू करूंगी। कुटाई पिटाई करने में बहुत मजा आता है इसकी। वो क्या है, लॉकडाउन है तो कभी कभी पाव नहीं मिल रहे हैं, तो मुझे ये एक्सपेरिमेंट करना पड़ा। अब मैं इसकी बराबर बराबर लोइयां कर लूंगी, 6 लोइयां करूंगी। एक एक लोई 40-40 ग्राम की होगी। ये देखिए मैंने वेइंग मशीन पे ले लिया है इसे, 40 ग्राम की एक लोई है और सभी लोइयां एक बराबर की कर लूंगी 40-40 ग्राम्स की। दूसरी लोई भी मैंने वेट की और वो भी 40 ग्राम्स की है। तो बस इसी तरीके से सारी लोइयां बना लेंगे, राउंड राउंड चिकनी चिकनी लोइयां बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। देखते हैं कितने गप्पू पाव होते हैं। जिनसे मैंने सीखा है उनका दावा है कि ये पाव बहुत गप्पू गप्पू जैसे होते हैं। मुझे ये आता नहीं था, मेरी अम्मी ने भी नहीं सिखाया था, ये मुझे किसी और ने सिखाया है। अब मैंने मेरे ले लिया है बेकिंग टिन और इस बेकिंग टिन में मैं लगाऊंगी देसी घी,
ये 7x7 का इसका मेजरमेंट है, टिन टिन का जो ये मेरा बेकिंग टिन है इसका मेजरमेंट 7x7 है और 2 इंच की डेप्थ है, डीप है ये, 2 इंच डीप है। अब चारों तरफ और इसके तले में सब जगह ये मैं देसी घी लगा रही हूँ, आप चाहे तो मक्खन लगाएं आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल लगाएं। अब सारी लोइयों को इसके अंदर मैं बराबर बराबर गैप के ऊपर रख दूंगी। ऐसे थोड़ा थोड़ा गैप रखेंगे लोइयों के बीच में, क्योंकि ये अभी और फूलने वाली है। अभी मैं इसे 1 घंटे के लिए फिर से ढक के रख दूंगी। अब ये लोइयां मैंने अच्छी तरीके से इसमें सारी लोइयां अरेंज कर दी हैं, अब मैं इसे ढक दूंगी। तो ये मेरा कटिंग बोर्ड जो है वो स्क्वायर है, तो उसके ऊपर बराबर से अच्छे से आ गया है, तो मैंने इसी से ढक दिया है। अब मैं इसे 1 घंटे रखा रहने दूंगी, ऐसी जगह पे रखा है जहाँ गर्मी रहे। और ये देखिए 1 घंटे के बाद ये लोइयां फूल के कितनी बड़ी बड़ी हो गई हैं, मीन्स जितनी बड़ी लोइयां मैंने बनाई थी उससे 2.5 गुनी बड़ी लोइयां हो गई हैं ये। तो बस अब इनके ऊपर मैं दूध लगा दूंगी ब्रश की मदद से। दूध और शक्कर को मैंने मिक्स कर लिया है और अब मैं इसे लगा दूंगी ब्रश की मदद से। ये इसलिए कि जब मैं इसे बेक करूंगी तो ये ऊपर की सतह जो है इसकी अच्छा कलर आए इसका, इसके लिए दूध लगाएंगे तो बहुत अच्छा कलर आएगा, गोल्डन कलर आएगा उसका। पूरे सारी लोइयों के ऊपर मैंने दूध अच्छी तरीके से लगा दिया है और अब मैं इसे बेक करूंगी अपने देसी ओवन में, मेरा देसी ओवन। ये देखिए ये होल है, ये कोई चीज़ नहीं है, ये होल थी जिसे मैंने बंद कर दिया। अब मैं मेरा देसी ओवन के लिए मैंने अपना पतीला रख दिया है गैस के ऊपर और इसके अंदर मैं डालूंगी वो वाला नमक जो बेक करने के लिए मैं हमेशा यूज़ करती हूँ इस देसी ओवन के अंदर। तो मैंने नमक को इसके अंदर डाल दिया है और नमक को पूरा एक सार पूरे पेड़े में फैला देंगे। पेड़े में फैला दिया, इसके ऊपर मैं एक मेरी जाली है स्पेशल, इसी में यूज होती है, इसे भी इसके ऊपर रख दिया और इसके ऊपर मेरे पास एक होल वाली प्लेट है उसे भी रख दूंगी और इसे 5 मिनट के लिए ढक दूंगी प्री हीट होने के लिए। इसे प्री हीट करना बहुत जरूरी है। तो इसे ढक्कन लगा दिया मैंने, अब ये जैसे ही 5 मिनट हो जाएंगे, 5 मिनट कंप्लीट हो गए। अब मैंने इसे खोला है और इसके अंदर मैंने बहुत केयरफुली ये अपना बेकिंग टिन रख दिया और इसे ढक दिया है। आँच को मैंने मीडियम और लो के बीच रखा है और अब मैं इसे 15 मिनट तक बेक करूँगी। और ये देखिए 15 मिनट तक बेक करने के बाद इसकी ये रंगत है और ये अच्छी तरीके से बेक हो चुके हैं। अब गैस ऑफ कर दूंगी और इन्हें मैं बाहर निकालूंगी। ये मैंने बाहर निकाल लिया इसे, इस वक्त मैंने जब इसे छुआ है तो ये एकदम हार्ड है, ऊपरी सतह बिल्कुल हार्ड है। तो इस हार्डनेस को कम करने के लिए इसके ऊपर लगाएंगे ये मक्खन, सारे पाव के ऊपर ये मक्खन लगा देंगे अच्छी तरीके से और फिर से इसे 10-15 मिनट के लिए ढक के रख देंगे, तो ये सतह इसकी बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी और एक बहुत अच्छी खूबसूरत सी शक्ल भी बन जाएगी उसकी और खाने में उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होगा। अब मैंने इसको लगा दिया मक्खन और अब मैं इसे इसी अपने कटिंग बोर्ड से ढक दूंगी, क्योंकि वो बिल्कुल बराबर का है उसके ऊपर, उसमें से हवा नहीं पास होती है। अब ये देखिए 10 मिनट हो गए और ये मैंने खोला है और अब इसकी सतह बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है, छूने से ही लग रहा है। तो बस अब मैं इन पाव को बाहर निकाल लूंगी और मैं इन्हें सर्व करूंगी भाजी के साथ में, पाव की भाजी के साथ में, जो कि बम्बे की बहुत मशहूर डिश है पाव भाजी। ये देखिए पाव को अलग किया मैंने, ये देखिए ऐसे अलग किया, आप देख सकते हैं कि कितने अंदर सॉफ्ट सी एकदम फूल के गप्पू पाव बना है। अगर मेरा टिन जो है और छोटा होता तो ये और ऊंचे फूल के हो जाते, मोटे मोटे, लेकिन उसको फैलने के लिए पूरी जगह मिली है तो ये बहुत अच्छे से फैल के पाव बने और एकदम अंदर से रुई जैसे पाव बने हैं।
तो इन्हें मैं सर्व करने जा रही हूँ भाजी के साथ में। आपका भी जब दिल चाहे, लॉकडाउन में पाव न मिले तो इस तरीके से पाव बना के खाइए। कमेंट्स में मुझे बताइए कि आपको रेसिपी कैसी लगी। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। बाय।